आतंकी हमले में मिली तारीख, 12 साल से लगातार मिल रही है तारीख पर तारीख। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में लखनऊ और बरेली से पेशे पर आते हैं आतंकी। यूपी के रामपुर में आज आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां की कोर्ट ने सरकारी वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अब आरोपी पक्ष को सुनने के लिए अगली तारीख दे दी है, जिसकी सुनवाई सितंबर माह में होगी। गौरतलब हो कि 31 दिसंबर 2007 की रात में आतंकियों ने सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला कर कई जवानों को शहीद कर दिए थे, जिसमें एक रिक्शा चालक भी मारा गया था। इस मामले में एसटीएफ की टीम ने 7 आतंकियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया था, जहां से उन्हें लखनऊ बरेली की जेल में भेजा गया था। 7 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे और एक रिक्शा पोलर की भी हत्या हुई थी। इनके आरोपी न्यायालय फर्स्ट डीजे कोर्ट रामपुर के यहाँ इनका मुकदमा विचाराधीन है। आज आरोपी बरेली सेंट्रल जेल से 5 आरोपी हाजिर आए, क्योंकि ये मुकदमा धारा 313 सीआरपीसी के तहत चल रहा है और इसमें सभी आरोपियों पर हाजिर होने पर 8 आरोपी हैं। अच्छा, कौन कौन नाम क्या है इन सबका? 3 आरोपी इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक और सबाउद्दीन, जो कि लखनऊ जेल में निरुद्ध हैं, और 5 आरोपी जंग बहादुर उर्फ बाबा खान, मोहम्मद शरीफ, गुलाब खान, कौसर खान और फहीम अंसारी। ये 5 आरोपी सेंट्रल जेल बरेली में निरुद्ध है। अच्छा। और यहाँ पर इनको सुरक्षा के रखते हुए रखा गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर न्यायालय